हेलो दोस्तों, भाई बजाज ने पल्सर N250 को नए अपडेट्स के साथ में लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर क्या कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, क्या खास देखने को मिलेगा, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे आज इस फॉर्मेट में। वीडियो शुरू होने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, पल्सर सीरीज में अगर आप देखोगे तो कंपनी धड़ाधड़ जो अपडेट करती जा रही है, हर महीने एक नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है। नहीं, पल्सर के अंदर N150, N160 में ऑलरेडी हमें अपडेट मिल चुका है, अब N250 की बारी है। हालांकि इसमें जो है ना अपडेट थोड़े से ज्यादा किए हैं, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी हमको ज्यादा देखने को मिलेंगी उन दोनों के। अब डिजाइन एंड लुक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सेम चीजें प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है। फीचर्स के अंदर मेजर अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले अगर लुक्स की बात करें तो वो आपको सिमिलरली देखने को मिलेंगे। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, सेम एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, बड़े टैंक एक्सटेंशन आपको मिलेंगे। फ्रंट में सस्पेंशन जरूर अपडेट किया गया है, यहाँ अब आपको यूएसडी सस्पेंशन दिया जा रहा है और ये ब्लैक कलर है तो यहाँ पर आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। बाकी गोल्डन फिनिश भी आपको मिलेगी, ऑप्शन है रेड कलर और व्हाइट कलर का, जहां पर आपको ये गोल्डन सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ब्लैक अगर आप लोगे तो कंप्लीट ब्लैक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ब्लैक के साथ में काफी अच्छा जा रहा है। और फ्रंट में 300 mm का पेट्रोल डिस्क आपको देखने को मिलेगा, ABS के साथ में 17 इंच का अलॉय व्हील है। टायर कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है, आपको 110 सच इन का टायर देखने को मिलेगा। तो ब्रेक्स चेंज हुए हैं और टायर भी चेंज कर दिए गए हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हो सकता है पहली नजर में आपको पता ना चले, लेकिन कंपनी ने ये चीजें चेंज की हैं। अब साइड प्रोफाइल में अगर आप आओगे तो साइड से देखने पर कोई भी बड़ा चेंज आपको नजर नहीं आएगा, बशर्ते जो ये ग्राफिक्स यूज किए गए ये आपको नए लगेंगे। तो यहाँ टैंक के ऊपर 250 का स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रेड और ग्रे फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर के साथ में। इंजन की बात करें तो ये 250 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है और कंपनी का ऐसा कहना है कि फोर वॉल्व इंजन है, जिसके साथ में लगभग 24.1 PS की पावर आपको देखने को मिलेगी। पावर एंड टॉर्क वगैरह सेम ही आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि पहले आपको N250 में दिया जा रहा था। और डायमेंशन सेम है, तो ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm ही आपको देखने को मिलती है। ये वाला जो इसका इंजन कवर है ना, मुझे काफी अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट में बताना। एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे तो डुअल बैरल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है पहले के जैसा, साउंड जो है वो काफी अच्छी आती है। और मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है पहले की तरह। रियर में पेटल डिस्क आपको देखने को मिलेगा, 230 mm का है, 17 इंच के अलॉय के साथ में, 140/70 का आपको टायर देखने को मिलता है। तो पीछे वाला टायर जो है वो भी अपग्रेड किया गया है। हालांकि यहां अगर आप देखोगे तो रेडियल टायर नहीं है, नॉर्मल टायर आपको देखने को मिलता है, ये MRF का टायर आपको दिया जा रहा है। पीछे टायर है अगर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी टेल सेक्शन सिमिलर, आपको LED टेल लैंप, स्प्लिट ग्रैब हैंडल सब कुछ सेम देखने को मिलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। और सीट वगैरह जो है ऑलरेडी स्प्लिट आपको देखने को मिलती थी और कुशनिंग वगैरह N250 में आपको काफी अच्छी मिल जाती थी, तो वही चीजें कंपनी ने यहाँ भी कंटिन्यू की हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, टाइप ए है, टाइप सी नहीं है, और सिंगल पाइप हैंडल बार है। स्विचेस वगैरह थोड़े चेंज हुए हैं क्योंकि मीटर कंसोल चेंज हो गया है। तो यहाँ फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, 10x10 नेविगेशन है, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट है, मोबाइल कनेक्ट करो, आप बहुत सारे फीचर एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से सारी चीजें आप टॉगल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर 3 राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पहला मोड है रोड, दूसरा है रेन और तीसरा है ऑफ रोड। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऐड हो गया है, जिसको आप मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो मेजरली कंपनी ने यहाँ पर फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, फीचर्स को अपग्रेड किया है। और 250 cc कैटेगरी अगर आप देखो, जो नेकेड कैटेगरी है, यहाँ पर आपको सुजुकी जिक्सर देखने को मिलती है 250, और TVS की तरफ से RTR 200 आती है, 250 नहीं आती। 250 cc में वैसे ऑप्शंस कम ही आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर आप नेकेड की बात करो। और यही वजह है कि बजाज पल्सर N250 की सेल पहले भी थोड़ी सी कमी थी, जिसकी वजह से कंपनी ने इसको इतने मेजर अपडेट दिए हैं। अब ये मेजर अपडेट जो आए हैं, इससे सेल पर कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कंपनी ने प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई है। और 1,50,000 रुपये के आसपास एक शोरूम पहले आपको मिलती थी, अभी 1,51,000 रुपये एक शोरूम हुआ है। तो कंपनी ने अपना मार्जिन कम करके प्राइस को जो है वो कंट्रोल किया है और 1,51,000 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें देने की कोशिश की है। अब अगर इन सारी चीज़ों के बाद में इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हो सकता है कंपनी इसको कंटिन्यू करे, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि पल्सर N250 हमें डिसकंटिन्यू होती हुई भी नज़र आए, क्योंकि इसकी सेल जो है ना इंडियन मार्केट में काफ़ी कम है। हालांकि N160 इस सीरीज की, एन सीरीज़ की ऐसी बाइक है जिसको इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाकी आपको पल्सर N250 कैसी लगती है या ये अपडेट आपको कैसे लगे, कमेंट में बताएं। मैं अपना ओपिनियन अगर दूं तो मुझे लगता है कि अपडेट अच्छे हैं, जो फीचर वगैरह कंपनी ने ऐड किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लेट हैं। अगर ये पहले आए होते तो शायद से N250 अब तक मार्केट में काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो चुकी होती। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कॉमेंट करें बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करें, और ऐसे ही न्यूज़ रिव्यूज़ कंपेरिजन अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।